बैठे एक्टिविटी सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम घर पर उपलब्ध सामग्री से एक एक्टिविटी और करके देखते हैं। इसके लिए हमें चाहिए क्या? हल्दी से रंगा हुआ एक पेपर, और उस पेपर को जब सूख जाएगा तो उससे हमने कुछ पट्टियां काट ली हैं। जैसे आपने इससे पहले वाली गतिविधि में देखा था कि हल्दी पत्र हमने कैसे बनाया था, उसके बारे में बताया था मैंने। इसके अलावा जो भी नमूने आप ले सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर लिया है बेकिंग सोडा का एक घोल, टमाटर का रस, नींबू का रस, सर्फ या साबुन का घोल और नमक का घोल। इसके अलावा भी आप जो भी घर में उपलब्ध सॉल्यूशन है जिनको आप बना सकते हो, उनके आधार पर एक तालिका आप भरेंगे। जैसा कि आप अब इस तालिका को देख रहे हैं, यहाँ पर जो भी हमने नमूने लिए, नींबू का रस, बेकिंग सोडा, खाना सोडा, टमाटर का रस, साबुन का घोल, नमक का घोल या अदर्स जो भी आप सॉल्यूशन लेते हैं पानी के साथ करके देखना चाह रहे हैं, टूथपेस्ट, सिरका, संतरा, करेले के जूस और भी कोई जो भी आपको नाम याद आ रहा है उसको आप अन्य वाले भाग पर लिख सकते हैं। अब इनको थोड़ा सा एक मैंने भाग दिया है पूर्वानुमान। हल्दी पेपर पर सॉल्यूशन को लगाने से पहले उसका रंग क्या हो सकता है? इससे पहले वाली गतिविधि जिसमें हमने हल्दी पत्र पर कुछ रंग और डिजाइन बनाए थे, उस अनुभव को थोड़ा सा याद रखें। आपकी मर्जी है, आप लाल, पीला, नीला, कोई रंग नहीं, हम निश्चित नहीं कह सकते। जो भी लिखना चाहें वो इस तालिका में लिखेंगे। करने के बाद जो रंग आएंगे वो हमें इधर लिखना है। ठीक है, आइए अब हम करके देखते हैं। तो सबसे पहले मैं नींबू के घोल को लगाता हूं, और नींबू के घोल को लगाने के बाद क्या देखा हमने कि कोई रंग नहीं आया, तो यहां लिख देंगे कोई बदलाव नहीं। अब हमने लिया खाना सोडा। अब मैं खाने सोडे को लगा करके इसमें बिलियन को लगा के देखता हूं, और क्या देखते हैं कि जो इसका रंग है लाल भूरा, रेडिश ब्राउन हो गया, तो मैं क्या लिखूंगा, रेडिश ब्राउन। फिर हमने लिया टमाटर का रस, टमाटर के रस को लगा करके देखते हैं, कोई बदलाव नहीं आया, कोई चेंज नहीं, तो लिख देंगे नो चेंज। फिर इसके बाद साबुन का घोल, सर्फ या साबुन के घोल को ले और इसको लगाएं, तो फिर आपने देखा कि लाल भूरा रंग आ गया। और लास्ट में हमने नमक का घोल, तो नमक के घोल से भी कोई बदलाव हल्का आ रहा है, तो हल्का परिवर्तन आप लिख सकते हैं। तो आप अपनी तालिका को इसको देखने के बाद पूरा करेंगे। तो इससे हमने क्या निष्कर्ष निकला कि कुछ विशेष प्रकृति के विलयन जो है वो हल्दी पेपर के रंग को बदल रहे हैं। तो वे विशेष प्रकृति वाले विलयन जो हल्दी पत्र के रंग को बदलते हैं उन्हें हम बेस या क्षार कहते हैं। धन्यवाद।